अब कुछ घंटे जो हैं मेरी ज़िंदगी के कई कई अरसे होंगे और बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी खुशी है, बहुत घबराहट है और एट द सेम टाइम ये कहूँगा कि इट्स अ फिल्म विच द ऑडियंस वुड लव टू सी। एक्शन भरपूर है और कहानी भी अच्छी है, सो आई डोंट थिंक दिल बी डिसअपॉइंटेड। नर्वसनेस तो बहुत है बट व्हेन आई विद माय वाइफ शी कूल्स मी डाउन एंड साजिद नडियाडवाला मेरे प्रोड्यूसर हैं, वो बार बार मुझे गले लगाते हैं, बोलते तुमने अपना काम कर लिया, अभी ऑडियंस को अपना काम करने दो। बट आई जस्ट, वो कहते हैं ना कि टेंथ का एग्ज़ाम जब देते हैं तो आप कितने भी प्रिपेयर्ड हो, यू आर सो स्केर्ड कि पेपर क्या आएगा, व्हाट विल बी द क्वेश्चंस। तो वैसी एक बटरफ्लाई सी घबराहट है अंदर, पॉजिटिव है, पीपल हैव लाइक द ट्रेलर्स, पीपल हैव लाइक द म्यूज़िक, आई होप दे लव द फिल्म, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेल देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर कलाकार कलाकार होता है एंड चाहे वो किसी भी देश का हो, हमारी आवाम अगर उसे सुनना चाहती हैं तो वो आवाम पे छोड़ देते हैं। जिस दिन आवाम कहेगी कि ये मत करो तो नहीं करना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन द पब्लिक, यू नो, नॉट ऑन पर्टिकुलर सर्टेन पीपल। हर वाइफ वही कहती है। एक पीसी में इन्होंने बताया था कि आप भी अपना वेट लॉस करेंगे टाइगर की तरह दिखने की, इन्होंने अच्छा कहा था, आप बताइए कि ऐसा चाहते कि ये टाइगर। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूं कि वेट लॉस करें और टाइगर की तरह दिखे। थैंक यू अजान सर, थैंक यू यार, देखोगे आप लोग ना, कल देखेंगे, अभी ये फॉक्स मतलब कल है ना, लगता कल है